नमस्कार फ्रेंड्स, आरबी मोला चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं एक और आसान सा डिजाइन। 15 अगस्त के ऊपर मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और एक चक्र भी इंसर्ट कर लिए हैं। इसको मैंने कंप्लीट डिजाइन किया था इस वाले वीडियो में, तो अगर आप चक्र भी डिजाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। इसको मैं पेज से बाहर कर लेता हूँ। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, इलिप्स टूल से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर कीबोर्ड से पी प्रेस करेंगे, पेज के सेंटर में चला जाता है। अब हम एक लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो टूल्स में जाए, फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल करके एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लें। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से सी और ई प्रेस करते हैं, सेंटर से अलाइनमेंट हो जाता है। अब मैं इसको लेफ्ट साइड में रोटेट करा देता हूं, तो इस पर क्लिक करेंगे और इस रोटेशन हैंडल से और रोटेट कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कंट्रोल की प्रेस करके रख लेना है, फिर इसको रोटेट कराना है। तो मैं सिंपली इसको रोटेट कराता हूं। जब आप कंट्रोल की प्रेस करके रोटेट करा रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर ये 15 डिग्री में रोटेट हो रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है 15 डिग्री सेट रहता है। अब मैं कंट्रोल आर का प्रयोग करके इसका डुप्लीकेट कर लेता हूं। डुप्लीकेट करने के बाद टूल्स में जाएंगे, स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करेंगे और सिंपली मैं इस पार्ट को फिल करता हूं। फिर इसको यानी चार डिजाइन हम यहां पर वाइट रखेंगे, इसी प्रकार से चार डिजाइन में राइट साइड में यहाँ पर वाइट रखता हूँ और ये जो पार्ट है इन सभी पार्ट को हम रखेंगे ऑरेंज कलर में, और ये जो बॉटम साइड का पार्ट है इसको हम ग्रीन कलर में रखेंगे। तो आइए कलर फिल करना शुरू करते हैं। इसके सेंटर में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, चाहे तो आप इसी को रोटेट करा के सेट कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे और इस रोटेशन हैंडल से मैं इसको रोटेट कर देता हूँ इसके बिल्कुल सेंटर में, और फिर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें या फिर क्या करें, एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक बार फिर से टूल्स में जाएंगे, फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल करके मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। लाइन में यहां से और यहां तक ड्रॉ करता हूं और सेव टूल का इस्तेमाल करके यहां पर सेट कर लेते हैं ये जो क्रॉस हो रहा है। फिर इसी का डुप्लीकेट करेंगे राइट साइड में और राइट साइड से भी सेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बिल्कुल बारीकी से सेट कर लिया है। अब चाहे तो इस सर्कल को आप डिलीट कर सकते हैं, इसकी में कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इस पार्ट को हम स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल भी कर देंगे। तो टूल्स में जाएंगे, स्मार्ट फिल टूल सेट करेंगे और सिंपली इस पार्ट को मैं फिल करता हूं, फिर इसको भी फिल कर लेते हैं। अब इसमें कलर भी फिल कर देंगे, तो मैं इसमें फिल करता हूं ऑरेंज कलर। कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसे लाइट कलर फिल कर लेते हैं, और फिर यही सेम कलर हम इसमें अप्लाई कर देते हैं कंट्रोल आर का प्रयोग करके। फिर इसका जो लाइट कलर है उसको मैं टॉप साइड में कर देता हूं और डार्क कलर को बॉटम साइड में। तो इस तरीके से यहां पर आपको ग्रेडियंट कलर देखने को मिल जाता है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं और इसके आउटलाइन को भी नन कर देंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, इसके सेंटर पॉइंट को मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ बिल्कुल सेंटर में, और फिर रोटेट करा के मैं यहाँ पर सेट करता हूँ। अब सिंपली इसका मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो डुप्लीकेट करने का सेम तरीका है, कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे, माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए राइट साइड में डायरेक्ट करेंगे, फिर राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे, इसका डुप्लीकेट हो जाता है। फिर कंट्रोल आर का प्रयोग करके मैं इसको रोटेट करा देता हूँ। रोटेट कराने के बाद इन सभी को सेट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं और फिर इसी का डुप्लीकेट बॉटम साइड में कर देंगे और फिर इसका कलर भी चेंज कर लेंगे। तो इसमें से बाकी डिजाइन मैं डिलीट कर देता हूं, केवल एक डिजाइन रखते हैं, फिर उसमें कलर फिल करने के बाद हम रोटेट भी करा देंगे। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इसमें से मैं एक पत्ती सिलेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे, यहां पर मैं फिल कर देता हूं ग्रीन कलर और यहां पर इसे लाइट ग्रीन कलर फिल कर देते हैं। फिर इसी का डुप्लीकेट करके इसमें भी अप्लाई कर देते हैं कंट्रोल आर का प्रयोग करके, फिर इसका कलर भी रिवर्स कर लेंगे। तो कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे, इस पॉइंट को मैं यहाँ पर लाता हूँ, इस पॉइंट को यहाँ पर लाते हैं। अब सिंपली इस पर क्लिक
क्लिक करेंगे और इस रोटेशन हैंडल से मैं रोटेट करा देता हूँ। सेम तरीका है रोटेट कराने का। रोटेट कराने के बाद अब मैं इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ। अब इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं और इसको मैं बाहर कर लेता हूँ, इन सभी को डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसके सेंटर में हम चक्र सेट कर लेते हैं। उसके बाद एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये जो चक्र के बीच में कलर आ रहा है ये कलर नहीं आना चाहिए। तो टूल्स में जाएं, एलिप्स टूल से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, और इसमें मैं फिल कर लेता हूँ व्हाइट कलर। इसके आउटलाइन को नन करेंगे, थोड़ी सी इसकी साइज में और बढ़ा देता हूँ। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से सी और ही प्रेस करते हैं, सेंटर अलाइनमेंट हो जाता है। अब इस चक्र को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ कर लेते हैं पेज अप। अब इसको बाहर से ड्रैग करते हुए सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से कर लेते हैं ग्रुप। उसके बाद इस चक्र को मैं ग्रेडियंट बना देता हूँ, तो कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे और यहाँ पर फिल कर लेते हैं सियान कलर। इसमें 20% मैजेंटा भी मिक्स है और इसमें हम शैडो का इस्तेमाल भी कर देते हैं। तो टूल्स में जाएंगे, ड्रॉप शैडो टूल सेट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे प्रीसेट के अंतर्गत और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं लार्ज प्रो। प्रॉपर्टी बार में ही आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है आउटसाइड का, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसका कलर जो है ग्रे रखेंगे और मोड यहाँ से कर लेते हैं मल्टीप्लाई और इसके फेदरिंग को मैं यहाँ से कम कर देता हूँ, इसको इतना कर देते हैं, ये सही रहेगा। कंट्रोल के साथ करेंगे ब्रेक अपार्ट, कंट्रोल जी से ग्रुप भी कर लेते हैं। उसके बाद ये जो व्हाइट कलर का सर्कल है इसकी साइज में थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, बाहर की साइड निकाल देते हैं, ये ज्यादा ही सही रहेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना आसानी के साथ एक आसान सा डिजाइन कंप्लीट तैयार हो जाता है। आप भी प्रैक्टिस करें, इससे अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।